हाय, मैं हूँ अमृता। तो मूवी की शुरुआत होती है तब हम माइकल और उसके फैमिली को एक पुराने घर में जाते हुए देखते हैं। माइकल की मॉम प्रेग्नेंट थी, जिसे उसके माता पिता काफी एक्साइटेड रहते हैं अपने आने वाले बच्चे के लिए, और इसी कारण से उनका माइकल पर ध्यान नहीं होता, जिससे माइकल काफी निराश और दुखी होता है। आगे हम देखते हैं उसके माता पिता इस घर में आकर जो बेबी का कमरा रहता है उसे सजाने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ माइकल के क्लासमेट उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसे एक्रोफोबिया होता है, यानी ऊंचाई का डर। वो स्विमिंग प्लेटफॉर्म से नीचे जंप भी नहीं मार सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं माइकल का दोस्त उसके साथ डटकर खड़ा रहता है और सभी लड़कों को वो दूर भगा देता है। एक दिन माइकल को एक छोटा क्यूट सा चूहा यार्ड से गुजरते हुए दिखाई देता है, जिसे देखते हुए क्यूरियोसिटी से माइकल उसका पीछा करता है और वो अपने घर के पास शेड में पहुंच जाता है, जहां पे माइकल काफी अजीब सा महसूस करता है और उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर कर अपने घर की ओर भागने लगता है। जब वो सदमे में अपने घर वापस आता है तब वो अपने माँ को इसके बारे में बताता है, लेकिन उसके मॉम को बेबी होने के कारण काफी दर्द होने लगता है, जिसे डर कर माइकल एम्बुलेंस बुला लेता है। अब हॉस्पिटल में उसके मॉम को प्रीमेच्योर बेबी गर्ल होती है। माइकल इस नए फैमिली मेंबर को देख काफी खुश होता है, लेकिन उस छोटे बेबी को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। अब घर वापस आने पर माइकल को डिनर के वक्त उसके पिता शेड के बारे में पूछते हैं, और वहाँ जाकर जब छानबीन करते तब वहाँ पे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, माइकल शेड के बारे में पता लगाने के लिए अपने पड़ोसी मीना से मिलता है। वो लड़की काफी फ्रेंडली होती है और उसके मदद से वो शेड में चला जाता है। शेड में पहुंचने के बाद उसे एक अजीब सा आदमी वहां पे दिखाई देता है, जो उसे काफी बीमार लग रहा था। माइकल ये देख काफी चौंक जाता है और घर में वापस आके अपने पिता के पास जाता है, लेकिन वो अपने होने वाले बेबी के अलग ही प्रॉब्लम में थे, इसीलिए वो बता नहीं पाता। अब की प्रॉब्लम लेकर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वो अपने स्विमिंग कॉम्पिटिशन को लेकर काफी सीरियस था, इसलिए माइकल को कॉन्टेस्ट में आने का इनविटेशन देकर वो वहाँ से निकल जाता है। माइकल इस पूरे सिचुएशन से डिप्रेस होने लगता है। घर आते वक्त वो मीना से मिलता है, पर मीना काफी अजीब लड़की रहती है, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करता। थोड़ी देर के बाद माइकल उस अजीब आदमी से मिलने के लिए शेड में जाता है। जब माइकल उसकी मदद करने जाता है तो वो माइकल को मना कर देता है। अब अगले दिन माइकल अपने छोटे बेबी सिस्टर और मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे उसकी बेबी सिस्टर की कंडीशन काफी खराब होती है। हॉस्पिटल में माइकल को ग्रेस नाम की एक बुजुर्ग औरत मिलती है। माइकल को टेंशन में देख उससे वो बात करने लगती है। माइकल भी उसे अपने बेबी सिस्टर के बारे में बताता है। बातचीत के दौरान ग्रेस माइकल को उसके पास का एक अंगूर उसे देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के दौरान घर में खाना मंगाया जाता है और माइकल बचा हुआ खाना उस शेड में गरीब आदमी को देने जाता है, जो काफी खुशी से उसका खाना खाने लगता है। तभी माइकल उस अजीब आदमी के पीठ पर कुछ लम्ब्स देखता है और उसे आसपास कुछ पंख भी दिखाई देते हैं। अब अगले दिन माइकल जब हॉस्पिटल जाता है तब वो ग्रेस उस बुजुर्ग औरत को उस अजीब आदमी की कहानी बताता है। तो ग्रेस माइकल को बताती है कि उसे उस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए और वो मदद करे, इसीलिए वो अपने अंगूर वापस उसे देती है। अब एक दो दिन में माइकल की छोटी सी बहन घर आ जाती है। माइकल काफी खुश होता है अपने बहन को देखकर, और इसी खुशी में वो आदमी को भी खाना और कुछ दवाई लाके देता है ताकि वो ठीक हो, और उन दवाइयों से वो आदमी बेहतर होने लगता है। एक दिन माइकल अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जंगल में खेल रहा था, तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके घर में कुछ बुरा हुआ है। वो भागते हुए घर जाता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेबी सिस्टर की हालत काफी खराब है। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। माइकल वापस डिप्रेस होने लगता है और आसपास की झाड़ियों पर अपना गुस्सा निकालता है, और वो आदमी भी माइकल का डिप्रेशन समझ रहा था। तभी उसे मीना मिलती है, और मीना माइकल का मूड ठीक करने के लिए उसे एक झील के किनारे पुराने टावर के यहाँ पे लेके जाती है और उससे बात करने लगती है, जिसे माइकल को काफी अच्छा लगता है। हालांकि उसके बहन को हार्ट की प्रॉब्लम थी और माइकल अपने बहन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो काफी मायूस था। लेकिन माइकल को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि जो अजीब सा आदमी है वो इसमें उसकी मदद जरूर करेगा, और वो उसके पास जाता है, उसे अपनी बहन की सारी हकीकत बताता है और उसे कहता है कि तुम प्लीज उसे ठीक करो, मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ तो ऐसी शक्ति है जिसे तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। लेकिन वो अजीब आदमी उसे बताता है कि ब्रह्मांड में बसे सारे जीव जंतु, इंसान बड़े हो या छोटे, इनका मृत्यु अटल है, और तुम्हारी बहन को बचाने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर माइकल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन माइकल मीना को उस जुड़वा आदमी से मिलवाता है। मीना उस आदमी को देख काफी क्यूरियस होती है कि वो कौन है एग्जैक्टली। इसी दरमियान उनकी बेबी सिस्टर ठीक नहीं हो रही थी, इसी डिप्रेशन में माइकल के पिता गुस्से में वो शेड तोड़ने के लिए जाते हैं, पर माइकल अपने बेड से कूद कर छत से नीचे गिर जाता है, और इसी तरह वो अपने पिता को शेड में जाने से रोक लेता है। अब अगले दिन माइकल हॉस्पिटल में ग्रेस से
टकराता है। ग्रेस नोटिस करती है कि माइकल काफी परेशान है, इसीलिए उसे जीवन के कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि बच्ची को हार्ट का प्रॉब्लम है जिसपे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उसी रात उसके पिता पूरा घर साफ करते वक्त शेड को वापस मिटाने के लिए जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद भी वो रुकते नहीं है, इसलिए माइकल उस जलते हुए शेड से उस अजीब आदमी को तुरंत बाहर निकालता है और मीना की मदद से उस आदमी को उसी टावर पे छुपा लेता है। लेकिन उस आदमी की मदद करने के कारण सरप्राइजिंगली माइकल के साथ भी कुछ चीजें अच्छी होती है, जैसे कि उसके पिता उसे समझाते हैं कि बच्ची जितने भी दिन अपने पास है हम काफी अच्छे से रहेंगे। उसके लिए पूरा रूम सजाते हैं और उस छोटी बच्ची को घर लेके आते हैं। चारों भी काफी खुश थे। अब माइकल और मीना खाने का सामान इकट्ठा करते हैं और उस गरीब आदमी की मदद करने के लिए जाते हैं। इतने अच्छे से उसकी देखभाल करने के कारण वो आदमी अब ठीक हो रहा था और वो आगे बताता है कि उसका नाम स्केलिंग है और जब से धरती पर इंसान थे तब से वो इस धरती पे रह रहा है और वो अपने पंख भी दिखाता है जो कि टूट गए थे। स्केलिंग अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, एक दिन तो वो खड़ा होकर चलने भी लगता है। माइकल के हाथ उस आग के कारण काफी जल गए थे। स्केलिंग उसका और मीना का हाथ पकड़ता है और तीनों भी धीरे धीरे हवा में तैरने लगते हैं। उसके बाद मीना और माइकल उसके पंख पूरी तरीके से साफ कर देते हैं और उसे पूरा अच्छा बना देते हैं। इसी अनुभव के साथ ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं और माइकल नोटिस करता है कि उसके हाथ पर जो जले हुए निशान थे वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, यानी ये कोई एक जादुई क्रीचर था। लेकिन इतने सदियों से जिंदा रहने के कारण वो पूरी तरीके से डिप्रेस हो गया था, चुपचाप रहता था, उसे जीवन में कोई भी होप नहीं नजर आती। अब अगले दिन माइकल के बहन का ऑपरेशन होने वाला था और माइकल काफी घबराया होता है, इसीलिए वो स्केलिंग के पास आता है और उसे मदद मांगता है कि प्लीज मेरे बहन को ठीक कर दो। पर स्केलिंग उसे कहता है कि वो उसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब हॉस्पिटल में निराश होकर वो बुजुर्ग औरत ग्रेस से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ग्रेस की उसी रात नींद में मृत्यु हो गई है। माइकल को ग्रेस की बात याद आने लगती है। वो कहा करती थी कि अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा, तुम्हें अपने इंसानियत को भूलना नहीं है। इसलिए माइकल वापस स्केलिंग के पास जाने लगता है उसकी मदद मांगने के लिए, उसके जादू से अपने बहन को बचाने के लिए। तो वही स्कूल में माइकल का जो दोस्त रहता है उसका कॉम्पिटिशन था, लेकिन माइकल के ना आने के कारण वो कॉम्पिटिशन हार जाता है और गुस्से में वो माइकल को ढूंढने के लिए जाता है। जब वो देखता है कि माइकल उसी टावर के पास जा रहा है वो गुस्से में वहाँ पे आता है उसे पूछने के लिए कि वहाँ पे क्या है, लेकिन माइकल उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा लेकिन मेरी बहन हॉस्पिटल में है, उसे मेरी जरूरत है। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद माइकल टावर के ऊपर आ जाता है और स्केलिंग से कहता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो उसके बहन को ठीक कर सकता है। लेकिन स्केलिंग कहता है कि मैं कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन माइकल कहता है नहीं, ये पूरी दुनिया एक विश्वास एक होप के ऊपर ही चल रही है और मैं तुम्हारे अंदर का भरोसा भी जगा के रहूंगा। इसीलिए ऊंचाई के डर के बावजूद वो टावर के किनारे पर जाता है और स्केल उसे बचाएगा। इसी होप में माइकल उस बड़े से टावर से नीचे कूद जाता है। स्केल ये देख के काफी डर जाता है और उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए वो अपने पंख पूरी तरीके से खोल देता है और माइकल गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और थोड़ी देर के बाद दोनों भी नदी के ऊपर से उड़ने लगते हैं। एक छोटे बच्चे ने स्केल को वापस जिंदा कर दिया था, उसे एक उम्मीद दी थी कि इस जीवन में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें स्केल की मदद की जरूरत है। वो वापस अपना जीवन जीने लगा था। दोनों भी एक लंबी उड़ान भरते हैं जिसमें माइकल सो जाता है और उसे सुरक्षित एक जगह पे वो रख देता है और हॉस्पिटल में माइकल की बहन को देखने जाता है। वो अपने जादू से माइकल के माँ को सुला देता है और उस नन्ही से परी को वो उठाकर अपने हाथ में लेता है और देखते ही देखते माइकल की बहन जो बीमार रहती है वो पूरी तरीके से ठीक होने लगती है। डॉक्टर भी ये देख हैरान हो जाते हैं। अब अगले दिन मीना माइकल को जगाती है और वो दौड़ते हुए अपने बहन को देखने जाता है। बहन को पूरी तरीके से ठीक देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता था ये सब कुछ स्केलिंग की वजह से हुआ है। उसके माता पिता भी काफी खुश थे। माइकल अपने बहन का नाम ग्रेस रखने का सुझाव देता है ताकि वो उस व्यक्ति को याद रखे जिसने उसे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी थी। अब ये चारों भी खुशियां लेके अपने घर आते हैं। माइकल अपने दोस्त से मिलकर सारी गलतफहमियां दूर करता है और उससे माफी मांगता है। आगे माइकल और मीना वापस स्केलिंग से मिलने जाते हैं।
उसे उसका पसंदीदा वाइन और खाना देकर उसका धन्यवाद करते हैं। स्केलिंग उन्हें बताता है कि अब मेरे जाने का समय आया है। माइकल ने उसके अंदर उम्मीद जगाई थी और वो जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए वहाँ से निकलने वाला। उसे काफी खूबसूरत फैंटेसी कहानी थी। एक ऐसे एक दूसरे के प्रति दया और प्यार दिखाते हुए एक छोटा सा बच्चा एक अनजान इंसान की मदद करता है और वही अनजान इंसान एक ऐसा एंशिएंट क्रीचर निकलता है जो उसकी बहन को बचाता है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।